हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है मैं उसमें अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ अपनी हेयर्स के लिए, कौन सा स्टेप्स फॉलो करती हूँ, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक जरूर देखना और ये स्टेप्स आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। जस्ट 3 स्टेप मैं फॉलो करती हूँ और ये जो मेरा रूटीन है मैं इसको वीकेंड में करती हूँ, तो वीकेंड में कभी भी मैं कर लेती हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि वीकेंड में 1 से 2 बार आपको ऑयल अपने हेयर्स पे लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी नीड होता है हेयर्स का वो ऑयल ही होता है, तो वो बहुत जरूरी होता है। बहुत लोगों का ये है कि मैं देखी हूँ कि बहुत जो ये बोलते हैं कि मेथी का जो पैक होता है वो लगाने से आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर राइस वाटर जो होता है उसको आपको यूज करने के बाद आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उतना ही पोषण देता है जितना आप ऑयल देगा। बट ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से वो सब इनफ नहीं है, वो सिर्फ आपके हेयर्स को मेंटेन करेगा ना कि आपके हेयर्स को पोषण देगा। हाँ देता है, बट उतने ज्यादा नहीं देगा जितना ऑयल देगा, तो मेरे हिसाब से वो इनफ नहीं है। आपको एटलीस्ट सप्ताह में एक बार तो यूज करना ही चाहिए, और अगर आप एक बार भी यूज करें तो उसको ऑयल को एटलीस्ट 1 से 2 आवर तक प्लीज रखना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आपके हेयर्स पे आपको फर्क दिखेगा। तो ऑयल लगाना बहुत जरूरी होता है और ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो मेरे हिसाब से हेयर्स ही होते हैं, क्योंकि अगर आपके हेयर्स अच्छे नहीं है तो आप इनकम्प्लीट हो। तो उसको केयर करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे पहले आप उस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपका लुक ही आपका हेयर्स है। आपके हेयर्स अगर नहीं है तो आपका लुक कुछ नहीं है, तो उस पर ज्यादा आप फोकस दे और उस पर ज्यादा आप केयर करें। तो चलिए मैं फटाफट से अपना रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं बता देती हूँ आपको मेरा रूटीन। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बाउल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल को मिसमैच करना है, तो इसके वजह से मैं एक छोटा सा बाउल लेती हूँ। और उसके बाद मैं लूंगी बजाज का आमंड ड्रॉप्स ऑयल, और ये है नव स्टिकी ऑयल। आप देख सकते हैं, आप कोई भी नॉर्मल ऑयल आप यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करते हो अपने हेयर्स के लिए। आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ये क्या बोलते हो, हाँ ऑलिव ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। तो आप कोई भी ले लेना ऑयल, और मैं ये ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी है, बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा है। तो आपको इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने हेयर्स पे कुछ भी अप्लाई किया या फिर ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा लगता है हेवी हेवी आपका हेयर्स, बट इसको लगाने के बाद आपका जो हेयर्स है बिल्कुल भी हेवी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा लाइट वेट होगा। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। अपने हेयर्स के हिसाब से आप ऐड कर लेना, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। सच में बहुत ज्यादा लाइट वेट है और बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ में भी बहुत अच्छा है। आप निहार का भी यूज कर सकते हो ऑयल, निहार का भी ऑयल जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा अपने हेयर्स के हिसाब से ले ली हूँ, ठीक है आप देख लो। ओके, उसके बाद मैं वाउ का कस्टर्ड ऑयल इसमें यूज करूंगी, और इसका रिव्यू मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, ये ऑयल बहुत अच्छा है। आप मेरा चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, बहुत अच्छा है और ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो मैं इसका जस्ट 1 से 2 ड्रॉप इसमें ऐड करूंगी, और ये जो है ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते, वो आपकी मर्जी है, आप देख लो। के बाद मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हेयर्स के लिए अप्लाई करती हूँ, आपको बहुत अच्छा है। तो आप देख लो इवियन का जो भी विटामिन ई कैप्सूल होता है वो मैं इसमें ऐड करूंगी, और ये जो कैप्सूल है जो ग्रीन वाला आता है विटामिन ई का, उससे ज्यादा पावरफुल ये है, और ये आपके हेयर्स को बहुत ज्यादा वॉल्यूम देगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट है हेयर को, हेयर के ग्रोथ के लिए।
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा हेयर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो तभी से मैं ये यूज कर रही हूँ। और मैं इसको एटलीस्ट 1 मंथ से ज्यादा यूज कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है ये। आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अपने रूटीन में इसको भी ऐड करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आपके हेयर्स का ग्रोथ करता है। ये जस्ट विटामिन ई कैप्सूल ग्रीन वाला जो होता है वो उसी के जैसा है, बट वो ग्रीन में आता है और ये कुछ येल्लो में आपको मिलेगा। मैं इसको भी ऐड कर लूंगी। तो अब इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये कैप्सूल को यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा पावरफुल ये है। सच में बहुत ज्यादा मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है उससे, बहुत अच्छा है। और इसको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आप खा भी सकते हो, बट इसको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लगा करके ही रखना, क्योंकि खाने से हो सकता है कि वो आपको सूट ना करे। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको लगाना। तो ये बन गया है मेरा ऑयल। और इसको लगाने से पहले मैं अपने हेयर्स पे मसाज देती हूँ, ताकि जो भी मेरा स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा चालू हो जाए, और ऑयल जब मैं लगाऊं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट दे। और इसी वजह से मैं सबसे पहले मसाज देती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑयल लगाने के बाद मसाज देते हैं, बट मेरा सजेस्ट यही करूंगी मैं कि आप लगाने से पहले मसाज दे। और मैं जस्ट ये क्या बोलते हैं, स्टेप्स फॉलो करती हूँ मसाज के लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हैंड्स को इस तरीके से रखना है और आपको नापना है, जस्ट 1 हैंड एंड 2 हैंड। उसके बाद ये जो है ये आपका प्रेशर पॉइंट है, मीन्स यहाँ से आपका जो भी स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे जस्ट हल्का सा पुश करना है, लाइक दिस। आपको हल्का पुश करना है एकदम लाइट हैंड से, ज्यादा जोर से पुश मत कर लेना, और ये आपके स्कल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आपको जस्ट 10 टाइम्स करना है इसको। तो डेल्टा मसाज है वो आपको क्या करना है, आपको हैंड्स को ऐसे यहाँ पे रखना है, और ये जो लास्ट का यहाँ बचेगा उस पे ये जो है एरिया, ये आपका प्रेशर पॉइंट है, और आपको यहाँ पे प्रेस करना है लाइक दिस। और मेक श्योर कि आप इसको करने से पहले अपने हेयर्स को अच्छे से वार्म कर लेना, बहुत अच्छे से अपने टैंगल्स को रिमूव कर लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको यहाँ पर भी जस्ट 10 बार करना है आपको। डन। तो मैंने मसाज कर लिया अपने हेयर्स पे और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया होगा। उसके बाद मैं ऑयल अप्लाई करूंगी, बट उससे पहले आप वार्म कर लेना अच्छे से, ताकि टेंगल्स ना रहे, क्योंकि मसाज करने के बाद भी टेंगल्स रह जाता है। मैं उससे पहले भी वार्म कर ली थी। और हाँ, एक चीज और, आप इस टाइप का वार्म यूज करें, और ये आप प्लास्टिक में है, मुझे उड़न का नहीं मिला, बट ये भी बहुत अच्छा है। आपको एकदम थिक वार्म लेना है लाइक दिस, ताकि ये जो वार्म है आपके हेयर्स को फॉल नहीं होगा। इसको यूज करने जब यूज करोगे तो ये इससे हेयर फॉल आपका नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है ऐसे हेयर फॉल, और ये आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। तो इस टाइप का आप फॉर्म यूज करना, और ये जो इस टाइप का फॉर्म आता है इससे आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा, तो आप इस टाइप का फॉर्म यूज नहीं करो। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 मंथ से मैं यूज कर रही हूँ इसे, और मुझे बहुत ज्यादा फर्क मिला है। पहले मैं इस टाइप का यूज करती थी, और इससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि ये आपके बाल को जो उलझा देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिन थिन इसका जो ब्रश है, बट ये जो है बहुत अच्छे से आपका आपके हेयर्स को अच्छे से कॉम कर देगा, और एक भी आपके हेयर्स फॉल नहीं होंगे। तो ये मैं सजेस्ट करूंगी इस टाइप का आप फॉर्म यूज करें। और हाँ, एक चीज और, आप इस टाइप का गार्डर यूज करते होंगे, तो इस टाइप का सस्ता गार्डर आप यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये आपके हेयर्स को फॉल करेगा। तो आप इस टाइप का गार्डर यूज ना करें, आप इस टाइप का गार्डर यूज करें, ज्यादा सॉफ्ट रहे और आपके हेयर्स एक भी फॉल ना हो, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपके हेयर जो है स्टिक हो जाते हैं और हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा 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 चीज में आप ज्यादा ध्यान दें, कि ताकि आपका हेयर्स फॉल ना हो, ठीक है।
और आप जो भी क्लचर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा देखना कि आप थोड़ा सा महंगा ही यूज करो, क्योंकि क्लचर वगैरह में बहुत ज्यादा बाल उलझ जाते हैं और जिसके वजह से हेयर फॉल होते हैं। तो आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, और यही सब चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने आपके हेयर्स के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा सस्ता में ना जाएं, ठीक है? तो देख लो, आप मैं थोड़ा सा टैंगल्स रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा सा हो गया है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से आपको टैंगल्स रिमूव करना है, हो गया है। देख लो, एक भी हेयर्स नहीं आया है मेरा मेरे कॉम में, तो इस टाइप का आप यूज करना, ठीक है? उसके बाद मैं अपने हेयर्स पे ऑयल लगाऊंगी, तो ये लास्ट स्टेप है, ठीक है? तो मैं जस्ट इस ऐसे लूंगी और ये दोनों हैंड से लूंगी, ठीक है? और ज्यादातर आप मतलब कोशिश करें कि अपने स्कल्प पे ज्यादा आप अप्लाई करें, और आपको मसाज देते टाइम बहुत अच्छे से और लाइट हाथों से आपको मसाज देते हुए ऑयल यूज करना है अपने हेयर पे, ठीक है? ताकि और भी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। तो मैं मसाज देते हुए और कर रही हूँ, और स्कल्प पे आप अच्छे से लगाना ताकि ऑयल का बेनिफिट आपको देखने को मिले। और ये आप दिन भर भी रख सकते हो, मैं दिन भर रखती हूँ। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि 2 आवर 3 आवर तक रखते हैं, बट वो भी सही है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर दिन भर रख सकते हो तो आप रख लेना, बहुत अच्छा होगा। संडे को आप रख लेना, मतलब रात भर, या फिर दिन भर, और मॉर्निंग में मंडे को आप वॉश कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। तो इस टाइप का आप रूटीन फॉलो कर सकते हो, और आपको बहुत हल्के हाथों से और हल्का हल्का आपको मसाज दे करके करना। आपको रब नहीं करना, लाइक दिस को रब नहीं करना, क्योंकि टैंगल्स आ जाएंगे हेयर्स पे। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको हल्के हाथों से जस्ट मसाज देना है आपके हेयर्स पे, और आप लेंथ पे अप्लाई करना ना भूले, क्योंकि वहां पे भी बहुत जरूरी होता है, तो हल्के हाथों से मसाज देना। और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज की हूँ वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अपने हेयर्स के लिए। मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बट मैं जब से ये रूटीन को फॉलो कर रही हूँ से बहुत अच्छा है। मैं नाइट पे भी मसाज करके ही सोती हूँ अपने हेयर्स पे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था मेरे हेयर्स पे हेयर फॉल का, तो इसकी वजह से। बट इस तरीके से अगर आप यूज करोगे अपने हैंड्स को मसाज देते हुए, तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, इससे आपका जो भी हेयर फॉल है बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। तो बहुत अच्छे से मसाज देते हुए करना है, जिसको बोलते हैं ना चम्पी, वही आपको चम्पी करते हुए ने ऑयल को अप्लाई करना है। हेयर्स पे आप केयर करो यार, बहुत ज्यादा जरूरी होता है हेयर्स पे केयर। मेरा बाल जो बहुत ज्यादा थिन हो गया था, बट मैं 1 से 2 मंथ में मैंने बहुत ज्यादा मेंटेन किया है, और थोड़ा सा थिक हुआ है पहले से। तो यही बात है, आप थोड़ा सा केयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके हेयर्स मेंटेन रहेंगे, और ज्यादा हेयर फॉल नहीं होगा। हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से। और आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप वो कैप्सूल यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। आपको लेंथ पे इस टाइप से यूज करना है, आपको ऐसे ऐसे करके यूज नहीं करना है। आपको इस टाइप से ऑयल आप ज्यादा मत लगाना, क्योंकि ये तीनों का मिक्सचर बेस्ट है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आप ज्यादा मत ले लेना, एकदम चिपकू लगो वैसा आपको नहीं यूज करना, हल्का सा लगाना, ताकि आप बाहर भी जा पाओ अगर आपको अर्जेंट काम आ गया तो। ठीक है, ज्यादा भी मत लगा लेना, क्योंकि चिपकू चिपकू टाइप लगता है। तो इस टाइप का रूटीन आप फॉलो कर सकते हो, मेरा भी रूटीन आप फॉलो कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? तो हो चुका है, उसके बाद फिर मैं अपने बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ। एटलीस्ट मैं 15 से 20 मिनट तक मसाज करती हूँ, उसके बाद मैं ऑयल लगाती हूँ। बट इतना देर तक वीडियो मैं बना नहीं सकती हूँ, बट आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मसाज करता हूँ। उसके बाद मैं काम कर लेती हूँ अपने हेयर्स पे, थोड़ा सा टैंगल्स हो गया है मेरे हेयर्स पे। और उसके बाद आप करना क्या, आप बाल को थोड़ा सा बांध लेना, जैसे कि गुथना जिसको बोलते हैं ना, आप गुथ लेना, फ्रिज
ब्लेड्स जिसको बोलते हैं वो बना लेना आप, ताकि आपका बाल में फंसे ना और आपको ऑयल जो आप अप्लाई किए हो वो ज्यादा वर्क करे। क्योंकि आप गूंथ के रखोगे ना तो टैंगल्स वगैरह बहुत कम आते हैं। और ठीक है, मैं ऑयल यूज करने के बाद अपने हेयर्स को बांध लेती हूँ। ये इस टाइप का कॉम आप यूज करो, सच में बहुत अच्छा है, फर्क दिखेगा आप यूज करना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बांध लेती हूँ। थ्री ब्लेड्स आपको पता ही होगा, बना लेना। और हाँ, एक चीज और, मैं ऑयल लगाने से पहले, मतलब 2 दिन पहले मैंने अपने हेयर्स को वॉश कर लिया था, तो मेक श्योर आपके बालों में डस्ट ना हो और बहुत अच्छे से क्लीन हो, तभी आप ऑयल अप्लाई करना। बहुत लोग ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है उसके बाद ऑयल अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉरी हेयर वॉश कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना। आप अपने हेयर्स को एटलीस्ट, ज्यादा क्लीन मैं नहीं बोलूँ कि हाँ शैम्पू लगाते ही आपको ऑयल लगा देना, ऐसा नहीं है, बट शैम्पू लगाने से 2-3 दिन बाद आप ऑयल अप्लाई करना, ताकि क्लीन रहेगा, तभी आपका जो ऑयल है बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करके गुथ लेती हूँ। तो यही था, और मैं बोलूंगी कि आप ऑयल लगाने से पहले वॉश कर लेना, मतलब 2-3 दिन पहले आप वॉश कर लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। क्योंकि जितना नीट क्लीन आपका स्कल्प रहेगा, उतना ही आपका जो भी ऑयल आप लगाओगे ज्यादा आपको वर्क करेगा आपका आपके हेयर्स पे। तो आप मेक श्योर आपका जो हेयर्स है बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो, और वो जो ऑयल है बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट। ठीक है, तो यही था मेरा हेयर केयर रूटीन, और मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। मैं शैम्पू आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही अपने हेयर्स को शैम्पू किया था, हेयर्स पे शैम्पू किया था, तो उस वजह से। ठीक है, बट मैं बता दी हूँ आप ऐसे ही करना, और आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जस्ट आपको वार्म करना है, उसके बाद आपको मसाज करना है, एंड देन आपको ऑयल अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। तो यही 3 स्टेप हैं और यही आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सिंपल है, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप छोटा छोटा चीज पे ज्यादा ध्यान दें, जैसे कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो अपने हेयर्स पे तो वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी क्लचर वगैरह या फिर गार्डर वगैरह यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा ब्रांड का हो, कोई भी सस्ता वाला चीज आप यूज कर मत करना है, क्योंकि इससे आपका जो ये बाल है वो बहुत ज्यादा उलझेंगे और हेयर फॉल का आपका प्रॉब्लम बना रहेगा। तो मैं छोटी छोटी जो चीज है उसको मैं क्या की हूँ, थोड़ा चेंज की हूँ, तो मुझे बहुत फर्क देखने को मिला है। और 2 महीना पहले ही मेरा जो हेयर था बहुत ज्यादा पतला था, बहुत ज्यादा थिन था, तो अभी जो हुआ है थोड़ा सा ठीक हुआ है। और ये छोटी छोटी जो चीज है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, तब से मेरा मुझे फर्क देखने को मिला अपने हेयर पे। तो आप भी छोटी छोटी चीज पे ज्यादा ध्यान दें, और अब देखना हमें फर्क तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही था वीडियो, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना। आज बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बट कोई बात नहीं, इंटरेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा प्लीज वॉच कर लेना। तो चलिए, मिलती हूँ, बाय बाय।